हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिरिचलेट थ्योरम और डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। डिरिचलेट थ्योरम या डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिल सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, और फिर हम डिरिचलेट थ्योरम को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। राइट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा है एलिप्सॉइड, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक सॉलिड फिगर होगा, सॉलिड थ्री डायमेंशनल, क्योंकि वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो कोई प्लेन कर्व तो होगा नहीं हमारे पास, एक सॉलिड फिगर होगा हमारे पास। जैसे हमने क्लास 12 में पढ़ा था इलिप्स, अगर हम इलिप्स को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें, इलिप्स को, किसको, इलिप्स को, ऐसे मान लीजिए ये हमारा इलिप्स होता है, राइट, इस प्रकार से होता था हमारा इलिप्स, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देता हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो सॉलिड बन के आएगा तो वो पहुंच जाएगा, मतलब ये तुरंत 2D से 3D में पहुंच जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एलिप्सॉइड। वहां पर एक हमें एक्सिस और ऐड करना पड़ेगा, एक डायमेंशन को और ऐड करना होगा, वो होगा हमारा जेड एक्सिस। तुरंत ये सॉलिड फिगर हमारा बन जाएगा अगर हम इसको एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो। ये तो हमारा प्लेन फिगर है, प्लेन में हमने बनाया है, लेकिन जो हमारा एलिप्सॉइड होता है वो एक स्पेस में हमारा बनता है, थ्री डायमेंशनल फिगर हमारा होता है। अब हम चलते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल की तरफ। डिरिचलेट इंटीग्रल हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल और थ्योरम बात एक ही है। देखिए आपको मैं आइडिया में आपको देने वाला हूं डिरिचलेट इंटीग्रल का। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल है, ट्रिपल और डबल दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल को, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रिपल इंटीग्रल ये है, एक्स की पावर है हमारा एल माइनस वन, वाई की पावर है एम माइनस वन एंड जेड टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड। इस ट्रिपल इंटीग्रल का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो हमारा होगा गामा एल इंटू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। ये इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू होगा। लेकिन कुछ हमारी यहां पर कंडीशन होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारी होती हैं, कुछ प्रतिबंध हमारे यहां पर लगे होते हैं जिनको कि हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर डिरिचलेट थ्योरम को हम कहां अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए जब हम किसी भी स्पेस को हमें डिवाइड करना होगा तो हमें थ्री डायमेंशन चाहिए। स्पेस को डिवाइड करने की बात कर रहा हूं मैं, प्लेन को डिवाइड करते हैं तो हमें दो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी प्लेन को डिवाइड करना है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन जो हम यूज करते हैं वो किसी प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए, फोर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का यूज करते हैं तो हम पूरे स्पेस को एट पार्ट्स, जिनको कि हम बोलते हैं, प्रत्येक स्पेस को हम बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा जेड एक्सिस। लेकिन आपको समझना क्या क्या, जब हम थ्री डायमेंशनल फिगर या फिर 3D को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल ये फिगर बनाते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये केवल हम पॉजिटिव ऑक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव ऑक्टेंट को। अभी हमारे 7 ऑक्टेंट और हैं, किस प्रकार से होंगे, जैसे देखिए ये हमारा होगा, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है तो ये पार जाएगा इधर, ये वाई एक्सिस है तो इधर भी जा रहा होगा और जेड हमारा ऊपर से नीचे तक जा रहा होगा। तो ये 3 जो हमारी डायमेंशन है, जो 3 हमारी एक्सिस है, ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, 8 स्पेसेस में डिवाइड कर देती हैं। तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव बोल सकते हैं क्योंकि इस ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में, जिसको कि हम नाम देते थे, आपको याद होगा इसको हम नाम देते थे ओ एक्स वाई जेड,
ऑक्टेंट। यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो हम कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो उनका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा तीनों के लिए, तीनों वेरिएबल हमारे पॉजिटिव होंगे इस फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट बोले या फिर ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट बोले, इसमें हमारे सारे जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हमें जब भी हमें डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई करना है तो इस पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए, फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए, ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट के लिए अप्लाई करना होता है डिरिचलेट थ्योरम या इंटीग्रल को, ये सबसे मेन है हमारा। अब समझ लगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए हमारा कोई कर्व या फिर सॉलिड फिगर सिमेट्रिकल है, जैसा कि हमारा इलिप्सोइड है, भाई इलिप्सोइड के एकदम बीच में से, मिडिल में से, इसे मान लीजिए ये हमारा क्या है इलिप्सोइड, ये हमारा इलिप्सोइड है, देखना सॉलिड फिगर है, जैसे हमारा होता है तरबूजा, वाटरमेलन, तरबूजा, राइट। तो अगर हम इसको अगर हम देखें ध्यान से तो इसका ये जो हमारा फिगर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, कैसा होता है सिमेट्रिकल, मतलब अब सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा इलिप्सोइड है ये आठों ऑक्टेंट में लाई करेगा, जितने भी हमारे एट ऑक्टेंट होते हैं, एट ऑक्टेंट होते हैं हमारे, सभी में लाई करेगा और इक्वल पार्ट्स होगा सभी ऑक्टेंट में। जैसे मान लीजिए हम सर्कल बनाते हैं 2D में, तो यहां पर हमारा क्या होता है क्वाड्रेंट, क्या होता है क्वाड्रेंट, तो ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है। तो हमारे जो सर्कल के चारों पार्ट जो होते हैं प्रत्येक क्वाड्रेंट में वो इक्वल होते हैं। सेम इलिप्सोइड के एट ऑक्टेंट, सभी ऑक्टेंट में जो एक स्पेस होगा इलिप्सोइड का वो इक्वल होगा। तो अगर हमें मान लीजिए हमें इलिप्सोइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम केवल फर्स्ट का निकालेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट का, किसका, फर्स्ट ऑक्टेंट का हम निकालेंगे और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको चेक कर लेना है कि क्या हमें फर्स्ट ऑक्टेंट का निकालना है या फिर कंप्लीट निकालना है। अगर हमें कंप्लीट निकालना है तो हम फर्स्ट का निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो डिरिचलेट इंटीग्रल है वो केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में ही अप्लाई होगा, मतलब हमारे जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। हम इस इंटीग्रल को फर्स्ट ऑक्टेंट में कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट में, हम सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट किसी में नहीं जाएंगे, केवल फर्स्ट में। और सबसे मेन हमें क्या है, ये हमें चेक कर लेना है कि हमारा कर्व सिमेट्रिकल है एक्स वाई जेड के अबाउट, जो हमारा इलिप्सोइड होता है इसका हर स्पेस हर ऑक्टेंट में इक्वल होता है। तो इससे जो हम वॉल्यूम निकालेंगे केवल इसका फर्स्ट ऑक्टेंट वाला पार्ट हम निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 ऑक्टेंट का वॉल्यूम, मतलब कंप्लीट इलिप्सोइड का वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। नंबर दो बात कि हमारे जो एलिमेंट जो होने चाहिए वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, दो बात हो गई। और नंबर थर्ड हमारा पॉइंट ये है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन और है, एक कंडीशन और है, अगर इसको आप समझ गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और थोड़ा सा बुक में देख लीजिए हमारा कंडीशन क्या है, सेकंड हमारा नंबर एक, तो हमारा एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव होंगे, एल एम कॉमा एन आर ऑल पॉजिटिव, राइट, कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा हमारा वो लेस देन और इक्वल टू वन होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन अगर हमें अप्लाई करना है डिरिचलेट थ्योरम को तो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, कंडीशन तो हमारी डिफरेंट है। हम इसको सुइटेबल कंडीशन में इस डिरिचलेट इंटीग्रल की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, किस प्रकार करेंगे ये हमें समझना है, राइट। अब जरा देख लीजिए आप क्वेश्चन को, हम यहां से करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं एक इलिप्सोइड में बनाने वाला हूं, ये मान लीजिए क्या है हमारा इलिप्सोइड, ये अच्छा ही बनाया फिगर, ये जो हमारा इलिप्सोइड है वो एट ऑक्टेंट में है, आठों में, ऐसे मान लीजिए हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, जिसको हम बोलते थे एक्स डैश, इधर हमारा क्या एक्स, ये हमारा क्या ओरिजिन, ये हमारा इधर जाएगा, ये हमारा जेड और इधर आएगा हमारा क्या जेड डैश, ये हमारा वाई और इधर जाएंगे तो ये हमारा जाएगा क्या वाई डैश, राइट। सॉलिड फिगर है हमारा ये, एकदम सॉलिड फिगर, इसको सॉलिड दर्शाने के लिए आप एक इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं,
ताकि आपको एकदम सॉलिड लगे, राइट। तो ये जो हमारा एलिप्सोइड है वो सिमेट्रिकल है, हर ऑक्टेंट में जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका स्पेस है वो इक्वल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट वाले में की बात करते हैं हम केवल। एक छोटा सा हमने ये क्या ले लिया, हमने ले लिया क्यूबॉइड, जिसका लेंथ कितना है डी एक्स, ब्रेथ डी वाई और हाइट है हमारा डी जेड। तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया मानेंगे वो डी एक्स डी वाई डी जेड मानते हैं, राइट। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालते हैं, ध्यान रखना आप किसमें, केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो ये हमें ये निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइड, एक मिनट। तो देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सा शोर आ जाता है तो बंद करना पड़ता है वीडियो। तो वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट हम निकालने जा रहे हैं, या फिर पहले ही 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइड आप लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइड इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, क्योंकि हम केवल डिचलिट इंटीग्रल से फर्स्ट ऑक्टेंट की, फर्स्ट ऑक्टेंट में जितना स्पेस है किसी भी सॉलिड फिगर का वो हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, कोई फंक्शन तो है नहीं, सिंपल इसका वॉल्यूम कितना आएगा, स्मॉल एलिमेंट का आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड और उस पर ट्रिपल इंटीग्रल हम लगा देंगे, राइट। आप समझ लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम हम ऐसे तो निकालते थे, आपने मल्टीपल इंटीग्रल को अगर आपने पढ़ा ध्यान से, तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम, स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम और हमने ट्रिपल लगा दिया, ये जेड के लिए, ये वाई के लिए, ये एक्स के लिए। तो कंप्लीट फर्स्ट ऑक्टेंट में जितना वॉल्यूम है उसको कवर कर लेगा। लेकिन अभी हमारा ये क्लियर नहीं हुआ, देखिए 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल, यहां हम ले देंगे x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1 और z की पावर 1 माइनस 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 है, dx dy dz, ये फॉर्म तो हमारी बन गई, इस ये फॉर्म बन गई। लेकिन ये कंडीशन नहीं बनी हमारी, इस कंडीशन को हमें और बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वेयर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन वेरिएबल्स को ही चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमारी हो जाए, लेस देन या फिर इक्वल, राइट। हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लेंगे लेट, यहां मान लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, कॉमा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हमें यहां से एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर यू, तो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा ए यू टू द पावर 1 बाई 2। इस 2 पावर को इधर ले गया तो इसका तो रूट हट जाएगा और यहां पर जाएगा यू टू द पावर 1 बाई 2। सेम y के लिए, तो y हमें मिलेगा v इंटू वी टू द पावर 1 बाई 2, z हमें मिलेगा c इंटू डब्ल्यू टू द पावर 1 बाई 2। तो dx हमें कितना मिल जाएगा, हम इस इंटीग्रल को चेंज करने वाले हैं और इस कंडीशन को भी चेंज कर देंगे, हम डिचलिट इंटीग्रल की कंडीशन और उसकी फॉर्म में हम बना देंगे, राइट। तो अभी आप इसको ना लिखें, इसको छोड़ दीजिए अभी आप, क्योंकि ये इससे फिर दिक्कत हो जाएगी, इसे हटा दीजिए, केवल बने हम, राइट। a इंटू 1 बाई 2 इंटू यू टू द पावर माइनस का 1 बाई 2 डी यू, ये हमें मिलेगा डी वाई इज इक्वल टू वी इंटू 1 बाई 2 इंटू वी टू द पावर माइनस का 1 बाई 2 डी वी, कॉमा डी जेड हमको मिल जाएगा सी इंटू 1 बाई 2 डब्ल्यू टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डब्ल्यू, राइट। डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू आप इस इंटीग्रल में पुट कर दीजिए, डी एक्स डी वाई डी जेड इस फर्स्ट इंटीग्रल में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो थोड़ा सा यहां से हमें रफ करना होगा, इसे रफ कर दें, हाँ इसे रफ कर दे रहे हैं। डिचलिट इंटीग्रल को आप याद रखिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद रखना होगा, राइट, इसे रफ कर दे रहे हैं।
इसको लिख लेंगे बाद में। तो ये हमारा निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, ये यहाँ तक कर दे रहे हैं राइट। लिखिए वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, तो ये हमें मिल जाएगा 8 का मल्टीप्लाई इधर चल रहा है ट्रिपल इंट्रीगल, डीएस कितना है हमारा ए बाई टू यू टू द पावर माइनस वन बाई टू। डी यू को मैं अभी लिखूंगा वी वाई टू इंटू वी टू द पावर माइनस वन बाई टू, सी वाई टू इंटू डब्ल्यू टू द पावर माइनस वन बाई टू, और ये आ गया डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू राइट। तो यहां से हमें मिल जाए 8 इंटू ए वाई टू वी वाई टू सी वाई टू, ए वाई टू वी वाई टू सी वाई टू, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूं देखिए। अभी जो हमारा डिरिचलेट थ्योरम था वहां पर था एक्स की पावर एल माइनस वन, एक्स की पावर एल माइनस वन, तो हम इसको लिखेंगे यू की पावर माइनस वन बाई टू लगाना है तो इसमें प्लस वन कर देंगे और माइनस वन, वी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन और माइनस वन, अभी देखते रहिएगा। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डब्ल्यू की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन और माइनस वन, और ये हो गया डी यू डी बी और ये डी डब्ल्यू। साथ में ये जो हमारी रेस्ट्रिक्शन थी ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली फ्रॉम ए, फ्रॉम ए से हमें क्या मिलेगा भाई, इसको आपने क्या लिख किया है यू, इसको वी, इसको डब्ल्यू, तो ये हमें मिल गया वेयर यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। अभी देखिएगा, अभी आपको याद दिलाऊंगा मैं इसको कंप्लीट को मरफ करने वाला हूं, डिरिचलेट इंटीग्रल को हमें याद दिलाना पड़ेगा। अभी देखिए, अब मैं इसको लिखने वाला हूं वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड इज इक्वल टू 8, सर 8 हमारा कैंसिल हो गया, यह मिल गया ए बी सी ट्रिपल इंट्रीगल यू टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, बी टू द पावर वन बाई टू माइनस वन और डब्ल्यू टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, डी यू डी वी डी डब्ल्यू और वेयर यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। और हमारा डिरिचलेट थ्योरम हमारा क्या था, डिरिचलेट इंट्रीगल हमारा क्या था, हमारा ये है हमारा डिरिचलेट इंट्रीगल, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, ये होगा यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन है, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, कोई भी एक कंडीशन हो राइट। तो ये फॉर्म हमने ये बना ली, लेकिन ये हमारा यू बी डब्ल्यू वेरिएबल में बना है, हमें क्या प्रॉब्लम है, किसी में बने वेरिएबल हमारे चेंज हो सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है हमें। और कंडीशन हमें चाहिए थी x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब वेरिएबल का जो सम होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू वन, तो हमें मिल गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। इसका मीनिंग क्या, अब हम यहां पर डिरिचलेट इंटीग्रल इस इंटीग्रल को अप्लाई कर सकते हैं, नाउ वी कैन अप्लाई द डिरिचलेट इंटीग्रल, देयरफॉर वाई डिरिचलेट इंटीग्रल इंटीग्रल और थ्योरम क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा ए बी सी गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू अपॉन गामा वन बाई टू एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। आप ना यहाँ पर क्या करेंगे, डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करेंगे ना, उसे लिख देना है वहीं पर, लिखा रहना चाहिए वहीं पर, हमने तो रफ कर दिया है, स्पेस नहीं है हमारे पास राइट। इसका वैल्यू ये होगा, साथ साथ में आपको बता दूं गामा वन बाई टू हमारा होता है रूट पाई राइट, पहली बात। नंबर दो, मान लीजिए हमें गामा थ्री बाई टू का वैल्यू निकालना है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। गामा थ्री बाई टू का वैल्यू निकालना है मान लीजिए हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे हम वन बाई टू प्लस वन, तो एन कितना है हमारा वन बाई टू, एन कितना है वन बाई टू, तो ये हमें मिलेगा वन बाई टू गामा वन बाई टू। हमें निकालना है गामा फाइव बाई टू का वैल्यू, तो हम इसे लिखेंगे थ्री बाई टू प्लस वन एन
गामा एन, एन कितना है 3/2। फिर इसे ब्रेक कर देंगे, कैसे करेंगे, 3/2 को लिखेंगे 1/2 प्लस 1, तो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। अब आपको शॉर्टकट याद कर लेना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है जो मैं लिखने वाला हूँ अभी। एक मिनट थोड़ा रफ, हमें शोर आ रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रह गया 2 मिनट का। अब हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी, भाई ये हमारा कितना मिलेगा रूट पाई, इसका वैल्यू कितना आएगा रूट पाई, इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा रूट पाई, राइट। और ये हो गया हमारा गामा 5/2, राइट। गामा 5/2 कितना हमारा 3/2 1/2 रूट पाई, 3/2 1/2 रूट पाई, ए बी सी रूट पाई, रूट पाई रूट पाई हो गया, और ये रूट पाई हमें मिलेगा, और यहाँ हमें मिलेगा 3/2 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई। तो ये रूट पाई हमने ऐसे इस प्रकार से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, रूट पाई आएगा नहीं भी, तो ये कितना आएगा 4/3 पाई ए बी सी, 4/3 पाई ए बी सी। एक मिनट देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है 4/3 पाई ए बी सी। अब देखिए इसका आंसर आ गया 4/3 पाई ए बी सी। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा ये क्या हो जाता, ये हमारा हो जाता स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये कब होता, ये हमारा स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता यदि ए इक्वल टू वी इक्वल टू सी हो जाए, राइट। तो दिस विल बी इफ ए इक्वल टू वी इक्वल टू सी, तो ये हमें कितना मिलेगा 4/3। आंसर तो वैसे हमारा यहीं पर आ गया, आंसर यहीं पर आ चुका है, लेकिन मैं इस स्फीयर के लिए बता रहा हूं, तो कितना मिलता 4/3 पाई ए बी, बी का वैल्यू ए, फिर सी का वैल्यू 4/3 पाई ए क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, और आर क्या हमारा ए, यही हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी देखते हैं ना, एक क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा बिंदु आ रहा है। अगर मान लीजिए हमें ये तो हमने कंप्लीट निकाला है वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, कंप्लीट कंप्लीट जो आता है हमारा 4/3 पाई ए बी सी। अगर हमारा स्फीयर होता तो ये सेम हमें मिल जाता, बशर्ते कि हमें वहां पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दें, या फिर अलग से भी निकाल सकते हैं, राइट। नंबर दो बात कि अगर मान लीजिए हमें निकालना होता वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट और पॉजिटिव ऑक्टेंट, तो हम इस 8 का मल्टीप्लाई नहीं करते, इस 8 को छोड़ देते। जब यहां पर 8 नहीं आता तो फिर उसका आंसर हमारा ये आता 4/3 ए बी सी, यहां पर 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 से डिवाइड हो जाता, तो ये हमें मिल जाता पाई ए बी सी, या पाई और था पाई ए बी सी बाई 6, राइट। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, हमने देखा था, तो ये इस प्रकार से भी आपको ये मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, राइट। एक क्वेश्चन और कराने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपको मिल जाता पाई ए बी सी बाई 6। देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमें ऑलरेडी कंडीशन गिवन है डिरिचलेट इंटीग्रल की, किस प्रकार से भाई डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो पॉजिटिव है, मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट की, एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। और एक सेकेंड हमारी कंडीशन होती थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। इसमें एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे, डिरिचलेट्स इंटीग्रल आपको बता दूं फिर से मैं आपको, यहां पर हम इसमें करते क्या है, मान लीजिए हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz इज इक्वल टू होगा गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, वेयर x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्म है, थ्योरम है हमारा ये, राइट। वेयर l m n हमारे पॉजिटिव है, l m n हमारे पॉजिटिव है, और x y z की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम इस इंटीग्रल को एक्सटेंड कर सकते हैं, x y z की पॉजिटिव वैल्यू मींस फर्स्ट ऑक्टेंट में ही हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में केवल, राइट। नंबर दो बात
कि हमें इस थ्योरम में कहीं भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा। फंक्शन का मतलब, फंक्शन तो आप बोलेंगे फंक्शन तो है भाई, एक्स वाई का ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का मतलब क्या है कि एक अलग टाइप का फंक्शन, यहाँ पर x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन। तो हमारा एक और थ्योरम है लियोविलिज थ्योरम, वो हमारा किस फॉर्म में हमें गिवन होगा, वो हमें इस फॉर्म में गिवन होगा। थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है ना माइंड में, वरना आप देखेंगे दो तरह के क्वेश्चन है हमारे, डिचलिट थ्योरम और लियोविलिज थ्योरम, डिचलिट इंटीग्रल और लियोविलिज इंटीग्रल। यहाँ पर इस प्रकार से तो गिवन होगा, और साथ में हमें एक मतलब फंक्शन हमें गिवन होगा, जैसे हम बोल देते हैं मान लीजिए e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर इसकी जगह हो सकता है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर इस तरह का कोई फंक्शन और है साथ में, पावर के साथ साथ में, तो हम वहाँ अप्लाई करेंगे लियोविलिज थ्योरम। x की पावर के अलावा, x y z की पावर के अलावा कोई फंक्शन और गिवन है x y z में, तो हम वहाँ अप्लाई करते हैं लियोविलिज थ्योरम। और हमें सिंपल x की पावर, y की पावर, z की पावर में एक्सप्रेस है हमारा क्वेश्चन या फिर ट्रिपल इंटीग्रल, तो हम अप्लाई करेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल। क्लियरिटी रहनी चाहिए माइंड में, एक बार ध्यान रखिएगा, राइट। तो अब हम इसको, ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, इसलिए हमने ले लिया कि डायरेक्ट भी हमसे इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। x की पावर 2 y z dx dy dz, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर 2 है ना, तो 3 माइनस 1, 1 को क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, 1 को 2 माइनस 1 dx dy dz। और हमें ऑलरेडी गिवन है कि x y z हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव, एंड x प्लस y प्लस z इज लेस देन और इक्वल टू 1। डिरिचलेट इंटीग्रल की सारी कंडीशन को ये फुलफिल करता है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका वैल्यू हमें मिलेगा गामा 3 गामा 2 गामा 2 अपॉन गामा 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। साथ में मैं आपको चिता दूं, देखिए हमने बताया था कि गामा n प्लस 1 हमारा होता है n गामा n, राइट। अगर हमारा n या फिर n प्लस 1 अगर मान लीजिए हमारा इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, तो हमारा गामा एन का वैल्यू होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। तो ये हमें कितना मिलेगा, अभी लिख लेते हैं गामा 3 गामा 2 गामा 2 अपॉन 3 टू 5 7 1 8, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, 1 एक माइनस करना फैक्टोरियल लगा देना, 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, और गामा 8 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल। तो ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 7 इंटू 6 5 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 7 6 42 इंटू 15, तो ये हमारा हो जाएगा 42 इंटू 15, 15 दूने 30 और 15 चौके 60 और 3 63, ये आना चाहिए। एक बार आंसर को ज़रा चेक कर लेते हैं, भाई आंसर चेक कर लेते हैं, 630 आ रहा है। और ये हमारा क्वेश्चन है आठवां, 8 भाई 1/2520 आ रहा है, 1/2520 5, 7 और 1 8, 8 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल, अरे 4 रह गए यहाँ पर, एक 4 रह गया 4, 3, 2, 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, एक 4 और आएगा यहाँ पर इंटू 4 इंटू 4 रह गया 1/0, 4 3 12 2, 4 3 24 25, 2520 इसका आंसर है। एक बार देख लेते हैं, यही हमारा आंसर आना चाहिए 2520 2520 है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है 8, यही आंसर है हमारा 2520, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। ओके नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।